अंगन्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गुंजवान हुआ मंदिर परिसर। पावन महीना सावन की दूसरी सोमवारी पर भागलपुर के सभी शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सभी मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुका है। वहीं श्रद्धालु बाबा से अपनी मनवांछित फल लिए शिवलिंग पर फूल बेलपत्र चढ़ाते हुए जलार्पण कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह उमंग जबरदस्त है। पूरा अजगैबीनाथ धाम, शहर के बूढ़ा नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, बाबा मनोकामना मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर के अलावा सभी शिवालयों में हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे लग रहे हैं। वहीं महिलाएं और युवतियां सोमवारी का व्रत रख महादेव से अपने बेहतर भविष्य की कामना को लेकर माता नंदी के द्वारा महादेव को अपनी संवाद सुनाते दिखे। सभी से भक्तों का उत्साह चरण सीमा पर था। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी के लोग एवं प्रशासन की तरफ से महिला एवं पुलिस बल की भी नियुक्ति की गई थी। श्रावण मास की दूसरी सोमवारी है, भीड़ शिव शक्ति दरबार की महिमा परंपरा है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे लोग श्रद्धालु जलार्पण करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक सोमवार को यहाँ भीड़ लगा रहता है, तांता लगा रहता है। शिव की महिमा परंपरा है यहाँ। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी उनकी इच्छा होती है, मनोकामना भोलेनाथ माता पार्वती यथाशीघ्र उनकी पूरी होती है। इस दरबार की महिमा परंपरा है, अनेकों कहानियां हैं जो श्रद्धालुओं की महिमा यहाँ पे श्रद्धा इच्छा उनकी पूरी हुई है। और श्रीयंत्र पे आधारित ये मंदिर है भागलपुर में, क्या पूरे बिहार में श्रीयंत्र पे आधारित पहला मंदिर है, जो कि यहाँ पे भगवान शिव, माता पार्वती और त्रिपुर सुंदरी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु जो भी जिनका जो भी इच्छा है उनकी सारी मनोकामना यहाँ पे जल्द से जल्द पूरी होती है। सावन की दूसरी सोमवारी को मंदिर बढ़िया से सजाया गया, भक्तजनों का अपार भीड़ है। इस जब भीड़ कम हो जाएगी तो 3 बजे के लगभग धुलाई कार्यक्रम होगा, उसके बाद रुद्राभिषेक कार्यक्रम चालू होगा जो कि 7:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद महाआरती होगी, आरती के बाद लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। मन में श्रद्धा तो बहुत है और सावन हम लोग सालों भर पूजा करते हैं, लेकिन सावन मास में कुछ स्पेशल होता है। मन में श्रद्धा भाव सबको नहीं होता है, लेकिन सावन महीने में सब लोग पूजा पाठ करने आते हैं और सभी के मन में ये श्रद्धा होती है कि हाँ हम अच्छे से करें। यहाँ सभी ख्यालों के लोग आते हैं, लेकिन पूजा करने से पहले लोग को भाव आए या ना आए, लेकिन पूजा करने के समय देखते हैं कि लोग को अच्छा लगता है, प्रतीत अच्छा होता है। थोड़ा सुधार की जरूरत है, जो ये भीड़ है थोड़ा ये अच्छा हो, व्यवस्था थोड़ी सी और अच्छी हो। हम तो आते हैं, हमेशा आते हैं। भागलपुर में जैसे कि आप लोग जानते हैं सावन का सेकंड सोमवार है, तो हम थर्ड सोमवार तो आ नहीं पाए, तो फिर आज सेकंड सोमवार आए तो भगवान से जो मनोकामना मतलब पूर्ण होता है। ये भागलपुर का शिव शक्ति मंदिर है, सुनते यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाता है, तो हम भी अपनी मनोकामना लिखाए, भगवान से जो मांगना था मांग लिए और हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा।